टैकोस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैदे में 2 बड़े चम्मच तेल रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी रखें और इसका आटा गूंद लें। आटा गूंदकर रेडी हो गया है, इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें। तेल अच्छे से गर्म होने पर हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे मैश किए हुए आलू में मिक्स करेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल रख के इसे ग्रीस कर लें। फिर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसके जगह पे तीखी मिर्च भी ले सकते हो, और इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भून लें। मिर्ची हल्का सा ठंडा होने पर इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दें। इसमें ऐड करेंगे 1 लहसुन की कलियां और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिर्ची और लहसुन को हमने मिक्सर जार में हल्का सा दरदरा पीसकर रेडी कर लिया है। अब इसे आलू और प्याज के मिक्सचर में रख दें। इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 छोटा चम्मच नमक रखें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब सारी चीजों को आलू और प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दस मिनट हो गए हैं, अब हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। अब इसे एक ही साइज के बॉल्स बनाकर रेडी कर लें। अब एक गोला लेकर उसमें हल्का सा सूखा आटा लगा लें और इसे बेल लें। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उसी हिसाब से आप बेल सकते हो, और इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। जिस तरह से आप रोटी के लिए बेलते हो उसी तरह से बेलना है। हमारा एक बेस बनकर रेडी हो गया है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से बाकी सबको रेडी कर लें। अच्छे से तवा गरम करें, फिर जो हमने बेस बनाया था उसे रख दें। यहाँ पर आपको तेल नहीं लगाना है, इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से हल्का सा सेक लेना है।
अब एक बेस ले और उसमें हम स्प्रेड करेंगे सॉस। मैं यहाँ पे चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ, इसके जगह पे आपके पास जो भी सॉस है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम रखेंगे चीज़। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है, इसके जगह पे आप मोज़रेला का भी यूज़ कर सकते हो। हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था, अब हम वो मिक्सचर रख देंगे इस तरह से। ऊपर से चीज रखें और इसे फोल्ड कर दें। इसे हल्के हाथ से प्रेस करना है और हमारा एक टैकोस रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी सबको भी रेडी कर लें। पैन में एक छोटा चम्मच तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब एक टैकोस रखें और इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। हमारा एक टैकोस पक रहा है, तो चलिए साइड में दूसरे टैकोस को भी रखकर इसे पका लेते हैं। इसी तरह सारे टैकोस को आप सारे साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लें।